साझा करने के लिए। तो हरिद्वार जिले में होने जा रहे जिला पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 6 सितंबर से 8 सितंबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। चुनावी शेड्यूल में 26 सितंबर मतदान की तारीख तय की गई है, वहीं 28 सितंबर को चुनावों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने यह बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पूरा पालन किया जाएगा और जिले में निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न होंगे। आपको बता दें कि मार्च 2021 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था और उसके बाद से लगातार प्रशासक पंचायत स्तर पर होने वाले कामकाज देख रहे थे। निर्वाचन की यहाँ पर पूरी एक शेड्यूल जारी कर दिया है। कल उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग उसका जारी करेगी अधिसूचना और वहां से जारी होने के उपरांत फिर जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जाएगा। जो अभी शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक 6 तारीख से निर्वाचन में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 6, 7, 8 तीन दिन रखा गया है नामांकन के लिए, फिर 9 से 11 तक उसकी स्क्रूटनी होगी, 13 को चुनाव चिन्ह आवंटन है और 26 को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना का समय निर्धारित किया गया है। आज मैं भी एक मीटिंग में ही जा रहा हूँ, हमारे जितने भी SDM, CO और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक होगी। आदर्श आचार संहिता को सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो यह सुनिश्चित करना हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता के चरण में पहला काम होगा। और बात करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता स्वरूप पुरी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। स्वरूप, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब किस तरह से तैयारियां हैं प्रशासन की, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पूजा, हम बात करें अगर पंचायत चुनाव की तो पिछले काफी लंबे से जो है ये चुनाव प्रस्तावित थे, समय टलता जा रहा था। पिछले वर्ष मार्च के माह में ये चुनाव हो जाने थे, मगर अब एक लंबा वक्त जो है जब हरिद्वार जनपद की जो पंचायतें हैं वो प्रशासकों के हाथ में थी, तो ऐसे में जो है लोगों में भी इन चुनावों को लेकर बेहद उत्सुकता थी। उनका भी कहना था कि इन सब चीजों से जो है विकास कार्य प्रभावित होते हैं, जब जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहता है तभी विकास कार्यों को गति मिलती है। और ऐसे में जो है अब एक खुशी की बात है कि अब चुनाव का जो शेड्यूल है वो घोषित कर दिया गया है और आगामी 6 तारीख से 8 तारीख तक जो है नामांकन प्रक्रिया के साथ 26 तारीख को मतदान व 28 को मतगणना होगी। और इसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, उसके साथ ही जो है आज ही संभवतः इन चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। वहीं जो है अधिकारियों ने जो है एक अहम बैठक भी बुलाई है जिसमें सभी लोगों को जिला प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी वो तमाम इकाइयां हैं उनसे जुड़े हुए अधिकारी जो है उनको जो है इन चुनावों से संबंधित निर्देश दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, साफ तौर पर जिला प्रशासन ने कहा है कि कोई भी स्थिति है, कोई भी स्थिति जो है वो विकट नहीं होने दी जाएगी, चुनाव आचार संहिता का पूरी तौर पर पालन किया जाएगा। बहरहाल अगर हम इन सब की बात करें तो एक खुशी की बात है क्योंकि बहुत से लोग पिछले बहुत वर्षों से जो है इन चुनावों को लेकर जो है उम्मीद लगाए बैठे थे, अब वो पल आया है और लोग जो है अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका स्वरूप जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।